अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो साल का वो महीना आने वाला है जहां पर एप्पल ऑफिशियली अपनी आईफोन 13 की सीरीज़ को लॉन्च करेगा और फिर से एप्पल और एंड्रॉयड के दरमियान जंग होने वाली है, यानी कि फिर से कंपटीशन शुरू होने वाला है फ्लैगशिप फोन्स के दरमियान। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाला आईफोन 13 कैसा होने वाला है और उसमें क्या स्पेसिफिकेशन आपको दिखने वाली है। हमेशा की तरह इतना ज़्यादा एप्पल कुछ बड़ा नहीं करने वाला, आप सब लोग जानते हैं हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं आईफोन के लॉन्च होने से पहले। और जो इस वीडियो में आपको लीक्स बताने वाला हूं, मे बी 100% आपको वही आईफोन 13 में मिले, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स से लीक्स आए हैं। पहली चीज़ आईफोन 13 में जो लीक्स निकल कर आई है वो है डिज़ाइन के हवाले से, कि आईफोन 13 की सीरीज़ में डिज़ाइन चेंज नहीं होने वाला। यानी जो आईफोन 12 की सीरीज़ में आपको डिज़ाइन मिला था, यानी कि बॉक्सी प्रीमियम शेप, वही आपको आईफोन 13 में मिलने वाला है। यानी कि ये कर्व एजेस और छोटा सा आईफोन, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है और ओवरऑल एक अच्छी वाइब देता है आपको, इंस्टेड ऑफ के आईफोन 12 की डिज़ाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा राउंडेड शेप थे और अच्छे थे। आईफोन 12 के आने से पहले यही अच्छे थे, लेकिन जब आईफोन 12 की सीरीज़ में ये वाला डिज़ाइन लाया गया तो फिर ये फेल हो गया। और कुछ लोग इस डिज़ाइन को भी प्रेफर करते हैं, लेकिन हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है। और अभी तक लीक से ही कह रही हैं कि आने वाला आईफोन का डिज़ाइन चेंज नहीं होने वाला। बाय द वे, आईफोन का लॉन्च इवेंट 14 सितंबर को होने वाला है और 24 सितंबर से एप्पल ऑफिशियली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा आईफोन्स को। अगर आगे की बात करें और इसके फीचर्स के बारे में बात करें, जो लीक्स निकल कर आई हैं कि आईफोन 13 में किस तरह के फीचर्स आने वाले हैं, सबसे पहले नंबर पर पोर्ट्रेट वीडियो मोड। यानी कि अब आईफोन में आपको वीडियो पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। अभी तक हम लोग सिर्फ आईफोन्स में इससे पहले सिर्फ पिक्चर्स में पोर्ट्रेट मोड देखते थे और काफ़ी सॉलिड पोर्ट्रेट मोड था बाय द वे, लेकिन आईफोन 13 से में भी आपको वीडियो में पोर्ट्रेट मोड मिले, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले एंड्रॉयड साइड पे वावे और सैमसंग और शाओमी भी इवन काफ़ी पहले कर चुके हैं। ऑल न्यू A15 बायोनिक प्रोसेसर आने वाला है, यानी कि पिछले साल से बेहतर 30-40% ये पावर लेस कंज्यूम करेगा और आपको ज्यादा बेहतर स्पीड देगा और ये पिछले जनरेशन से 30% तक फास्टर होगा। डिस्प्ले के हवाले से एक लीक निकल कर आई है कि इस बार आईफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। ये जो आईफोन 12 है इसकी सीरीज में आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि 60 हर्ट्ज का है, लेकिन आईफोन 13 की सीरीज में भी ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि 120 हर्ट्ज का आपको स्क्रीन रेट मिलेगा, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के साथ और आपके यूजेज के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेंज होता रहेगा। यानी कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं और अगर फोन को रिक्वायर्ड हुआ कि स्क्रीन रेट्स को बढ़ाना चाहिए तो आपकी स्क्रीन उसके हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी। थोड़ी बात करते हैं 5G के बारे में। अगर 5G के बारे में बात करें तो iPhone 13 की सीरीज में ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आपको iPhone 13 में 5G वेरिएंट मिलेगा। अब ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि iPhone 12 की सीरीज भी 5G की थी, बट iPhone 12 की सीरीज में आपको जो यहां पर बैंड मिलता था, यानी कि 5G बैंड जो कि सिर्फ USA वर्जन में होता था, यानी कि LLA वर्जन में, लेकिन इस साल हर एक iPhone में आपको ये 5G मिलीमीटर बैंड मिलेगा, जो कि एक बहुत कूल बात है। अब जो नॉच का सिलसिला था वो एप्पल ने ही शुरू किया था और इस बार की लीक निकल कर आ रही है कि इस बार एप्पल ने आईफोन 13 में जो नॉच का साइज है वो रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। और अगर नॉच है तो डायरेक्टली आपको फेस आईडी मिलेगी, यहाँ पर फिंगरप्रिंट इंक्लूड नहीं किया जा रहा। पिछले 3 साल से ये रूमर्स चल रहे हैं कि आईफोन अगली जनरेशन में एक फिंगरप्रिंट यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इंक्लूड करेगा, बट इस साल भी ऐसी कोई रूमर्स नहीं है और ना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के आसार नजर आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ यहाँ पर फेस आईडी मिलने वाली है। आईफोन 13 में आपको ऑल न्यू कलर मिलेंगे। अब कलर तो लीक्स नहीं हुए, लेकिन यहाँ तक लीक हो गया कि नए कलर्स आने वाले हैं। अब बहुत बड़ा लीक जो निकल कर आया वो ये है कि आईफोन 13 के जो प्राइसेस होने वाले हैं वो सेम आईफोन 12 के जितने होने वाले हैं और आईफोन 12 के प्राइसेस भी लॉन्च इवेंट में कम हो जाएंगे। अब ये लीक्स देखते हैं कितने हद तक ठीक है और एक्यूरेट है, वो आपको 14 सितंबर को ही पता लगेगा। अब एक फाइनल चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा जो है कि आईफोन 13 के सीरीज के फाइनली नेम क्या होने वाले हैं। यहाँ पर हमने देखा कि आईफोन 12 की सीरीज आई और यहाँ पर आईफोन 11 की सीरीज आई, डिफरेंट नेम थे। 11 की सीरीज को 11S नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर लीक्स निकल कर आ रहे हैं कि आईफोन 13 की सीरीज जो आने वाली है वो आईफोन 12S भी हो सकता है, 12S मिनी भी हो सकता है, यानी कि एस लग जाएगा 13 के सीरीज के साथ। बट ये थोड़े लोगों का कहना है, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि आईफोन 13 के सीरीज में आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स आने वाला है। तो देखते हैं ये बात कितने हद तक सही है और जितने भी मैंने आपको लीक्स बताए इनमें से कौन सा एक्यूरेट निकलते हैं और कौन सा सिर्फ लीक्स बन के रह जाते हैं जो कि हम लोग अगले साल भी यही लीक्स मिलाकर बता रहे होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है कि आप कौन से आईफोन के वेरिएंट का वेट कर रहे हैं या फिर आपको
कौन सा फीचर इसमें लगता है कि आईफोन 13 में आने वाला है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।